हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सिरसा यूनिट ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सिरसा में एक सफ़ेद ऑल्टो कार से एक क्विंटल, एक किलो, 200 ग्राम डोडा पोस्ता और एक नजायज पिस्तौल, 12 बोर व 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मुखबिर के सूचना पर DIG से सिमरदीप सिंह और पुलिस अधीक्षक नीतिका गहलोत के दिशा निर्देश में SI तरसेम सिंह की टीम ने रेलवे पुल के नीचे नाकाबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप कुमार, अमनदीप सिंह और जसवंत शामिल है, जो सिरसा के निवासी हैं। यह कार्रवाई हरियाणा के NCB प्रमुख ADGP OP सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे हैं विशेष अभियान के तहत हुई है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इंचार्ज इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि आरोपियों ने यह डोडा पोस्ता मानसा पंजाब से लाया था और अब उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं को मेरी NCB यूनिट के अंदर हार्दिक स्वागत है। मैं आपको हमारी यूनिट की तरफ से एक छोटी सी जानकारी, वैसे तो बड़ी वो नहीं है, हमारे ADGP साहब OP सिंह जी नारकोटिक्स के चीफ हैं, उनकी एक शाखा का हम निर्वाह कर रहे हैं और उस शाखा को निर्वाह करते हुए हमें इस यूनिट के अंदर हमारे एक तरसेम सब इंस्पेक्टर ने कल बहुत ही बड़ी अच्छी उपलब्धि हासिल की है। उस टीम ने एक क्विंटल डोडा पोस्त पकड़ के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमनदीप, प्रदीप और जसवंत रोड़ी सिरसा के रहने वाले हैं, उनको अरेस्ट किया है। आज FIR हुई है थाना शहर में और कल इनके खिलाफ हम पुलिस रिमांड लेंगे, आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। इससे अलावा हमारी यूनिट सिरसा समय समय पर नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, सबको यही जागरूक कर रही है कि नशे के खिलाफ आप कोई भी जानकारी हो तो हमारे टोल फ्री नंबर पर दीजिए, 9598 91500 पर। सभी